वेलकम बैक, वेलकम टू द पार्ट 15 ऑफ चैप्टर 3। इस पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में मिलाकर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल थिंक अबाउट द रिवीजन, क्योंकि टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 3 चैप्टर हमारे पहले ही हो चुके हैं, तो 2 चैप्टर्स के लिए वी हैव इनफ टाइम। तो पहले हमें ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इस पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कराया था, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराया था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के बाद अब हमारे पास आता है कोरोजन। कोरोजन मेटल्स का ही होता है, इसलिए मेटल और नॉन मेटल में ही हम इसको पढ़ेंगे। कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। ये 2 टर्म्स हम आज पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मीन्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर एलॉय एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय एंड सम इम्पोर्टेंट एलॉय एंड देयर यूजेस। तो क्या होता है कोरोजन, ये हम फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। किसका ऑक्सीडेशन? मेटल का। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कुछ सामान, चाहे वो किसी भी मेटल का है, चाहे वो कॉपर का है या आयरन का है या एलुमिनियम का है, अगर वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, आप उसको एक अलग जगह पर रख देते हैं जब तक कि वो रिपेयर ना हो या उसकी कोई आगे ज़रूरत ना हो। तो जैसे जैसे टाइम जाता रहता है, आप देखते हैं कि उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है। आयरन के केस में ब्राउन लेयर बन जाती है, सिल्वर के केस में मीन्स चांदी है अगर, तो उसके केस में ब्लैक लेयर बन जाती है, और एलुमिनियम के केस में वाइट कलर की कोटिंग आ जाती है, और कॉपर के केस में ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये सारी कोटिंग या ये कलर की क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? एक अनडिजायरेबल लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल आयन ड्यू टू द एटमोस्फेरिक एयर, ठीक है। एटमोस्फेरिक एयर की प्रेजेंस होने की वजह से किसी भी मेटल के ऊपर जो एक अनडिजायरेबल चेंजेस होता है या लेयर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? द डिपोजिशन ऑफ ए अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब है कि वो हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी वो बन जाती है, ठीक है। आप लोग चाहेंगे थोड़ी कि भी आपका कोई भी सामान है वो ख़राब हो, उसके ऊपर जंग लगे। तो ये अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं या एक लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू एटमोस्फेरिक एयर इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। अगर हम आयरन मेटल की बात कर रहे हैं, देन इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कोरोजन। आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोला जाता है? रस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हैं चांदी की बनी हुई, चाहे वो आपको गले में पहनना है या हाथ में पहनना है या पैर में पहनना है, जो भी है, अगर आप उसको देखते हैं जब आप लेते हो तब उसके अंदर अलग चमक होती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी चमक जो होती है वो फीकी पड़ जाती है और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ा ब्लैकिश लेयर प्रोड्यूस होने लगती है, मीन्स डिपॉजिट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर होती है, सिल्वर एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं, और सिल्फर सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, तो इसलिए उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो Ag प्लस H2S, H2 जो सिल्वर होगा वो H2S फॉर्म में होता है एयर के अंदर। तो सिल्वर आपकी चीज हो गई, प्लस H2S जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वो Ag2S प्लस H2, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, और इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि भाई एक मेटल का कोई भी आर्टिकल है वो समय के साथ उसके ऊपर एक ब्लैकिश लेयर बन जाती है, तो बताओ वो मेटल, वो आर्टिकल किस मेटल का बना हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि सिल्वर के केस में ही ब्लैकिश लेयर बनती है, तो द आर्टिकल विल बी मेड अप ऑफ सिल्वर मेटल, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। आगे समझ में यही बताना है। अगर आपको आ जाता है डिफाइन द कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो आप बताएंगे कि भाई सिल्वर के ऊपर समय के साथ ऑन पासिंग द टाइम देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ ए ब्लैकिश लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड
एज सिल्वर रिएक्ट विद द सल्फर प्रेजेंट इन द एयर, फिर आप ये रिएक्शन लिख देंगे, 2Ag+H2S इट विल गिव Ag2S+H2, 2Ag आएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर वेसल्स और आर्टिकल्स। जैसे आपने देखा है आपके घर में कोई भी सिल्वर का सॉरी कॉपर का कोई भी बर्तन होता है, तो जब आप उसको नया लेकर आते हैं तो वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन आप जब उसको डेली यूज़ करते रहते हैं, उसके अंदर पानी करते हैं, पीते हैं, कुछ भी उसको बाहर छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर एंड द एयर इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के अंदर जो भी एयर है, मॉइस्चर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, COH2.COUCO3, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैलाकाइट ग्रीन भी बोलते हैं, इसका कलर होता है ग्रीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपके घर में एक कॉपर का वेसल है, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि उसके ऊपर जब कुछ दिन हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन कोटिंग जम जाती है। तो ग्रीन कोटिंग क्यों जम जाती है, ग्रीन कोटिंग इसलिए उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर और एयर, वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है COH2.COCO3, ये होता है ग्रीन, इसको मैलाकाइट ग्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा सिल्वर के केस में ब्लैक लेयर बनती है और कॉपर के केस में ग्रीन लेयर बनती है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आयरन। आयरन जो कि मोस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स होते हैं आपके घर के अंदर सभी जगह, वो आयरन के बने होते हैं। तो आयरन सिल्वर सॉरी एलुमिनियम के हम पहले बता चुके हैं एनोडाइजिंग में, एलुमिनियम के ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमती है, जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर उनके ऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है। तो जब आयरन मेटल को मॉइस्चर में मॉइस्चर और एयर में मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इस फेरिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। जितना भी कोरोड या रस्टिंग होती है उसकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है, बेसिकली दे आर मेटल ऑक्साइड्स या मेटल सल्फाइड जो भी है, ठीक है। तो आयरन के ऊपर जो ब्लैक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है ड्यू टू द मॉइस्ट एयर, इट इज कॉल्ड रस्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। एक्स क्या है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल। एक्स जो है वो डिपेंड करता है कि जो एनवायरमेंट में है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम है तो एक्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, मतलब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे। हाइड्रेटेड किसको बोलते हैं, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। एनहाइड्रस किसको बोलते हैं, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, 4Fe+3O2+2XH2O इट विल गिव 2Fe2O3.XH2O, इट इज कॉल्ड रस्ट एंड इट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो आगे समझ में, तो आपको ये बताना है अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन की रस्टिंग के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर का मतलब वाटर, एयर का मतलब ऑक्सीजन। तो वाटर एंड ऑक्सीजन या मॉइस्चर एंड एयर बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपको ये कैसे पता चला कि दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक फैक्टर भी एब्सेंट है तो आयरन की रस्टिंग नहीं हो सकती। आयरन की रस्टिंग के लिए दोनों फैक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.14, तो इस एक्टिविटी में क्या हो रखा है, तीन टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर है, वाटर है, उसके अंदर हमने आयरन नेल्स डाल दिए, तो वहाँ पर क्या होता है, आयरन नेल्स के ऊपर रस्टिंग होने लगती है। एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के पूरे अंदर हमने आयरन नेल्स डाल दिए, और वाटर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ऑयल डाल दिया, ठीक है। दूसरे के अंदर हमने क्या लिया, वहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मीन्स
वाटर वेपर्स को एयर से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। एयर को ड्राई करने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं। तो तीन टेस्ट ट्यूब होगी ए बी सी, ए के अंदर एयर भी है, वाटर भी है और आयरन नेल्स है, तो वहाँ पर तो रस्टिंग हो गई। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर वहाँ पर जब हमने ऑयल की लेयर उसके ऊपर डाल दी, तो एयर जो है वो वाटर में नहीं गए जा पाई, तो वहाँ पर सिर्फ वाटर ही वाटर है, एयर नहीं है, तो वहाँ पर भी रस्टिंग नहीं हुई। दूसरे में हमने एयर डाली, एयर को एयर के अंदर जो वाटर से उसको सोखने के लिए हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो वहाँ पर भी रस्टिंग नहीं हुई। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि अगर हमें आयरन की रस्टिंग करानी है तो दोनों फैक्टर अवेलेबल होने चाहिए, एयर भी एंड मॉइस्चर भी। अगर इन दोनों में से एक भी फैक्टर एब्सेंट है तो देयर विल बी नो रस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको इस एक्टिविटी से पता चल गया कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ए भी एयर भी है, वाटर भी है, तो वहाँ पर रस्टिंग हो गई। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर वाटर है, एयर नहीं है, एयर किसकी वजह से रुक गई, ड्यू टू द लेयर ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल की लेयर बनने की वजह से वाटर के अंदर एयर डिजोल्व नहीं हो पाती, तो जिसके अंदर यहाँ पर रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, दूसरे में क्या है, वहाँ पर एयर है, एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिए, वहाँ पर भी वाटर नहीं है, तो वहाँ पर भी रस्टिंग नहीं हुई। तो दोनों फैक्टर वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए रस्टिंग होने के लिए। ठीक है, आया समझ में? तो फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रेस्पॉन्सिबल, इफ इवन वन फैक्टर इज एबसेंट देन देयर विल बी नो रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज इट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं और एलोय में चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी मेटल के कोरोजन को रोक सकते हैं। कैसे? बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग एंड एलोय मेकिंग, मेकिंग एलोइज। ठीक है, दिस ऑल फैक्टर्स आर परफॉर्म फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन को रोकने के लिए ये सारे फैक्टर हमें अप्लाई करने पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम पेंट कर देते हैं तो इट विल क्रिएट ए बैरियर बिटवीन द एयर, एटमोस्फेरिक एयर एंड द सरफेस ऑफ द मेटल। तो एयर और जो मॉइस्चर एयर है वो मेटल के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से कोरोजन रुक जाता है। आपसे पूछा जाएगा, सॉरी, कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने से कोरोजन कैसे रुकता है? तो आप बताएंगे कि आफ्टर अप्लाइंग पेंट और ग्रीसिंग और ऑयलिंग ऑन द मेटल सरफेस, इट विल क्रिएट ए बैरियर बिटवीन एटमोस्फेरिक एयर एंड द मेटल सरफेस, एंड द देर विल बी नो कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द एयर, दैट्स वाई ऑयलिंग पेंटिंग ग्रीसिंग प्रिवेंट्स द कोरोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैल्वेनाइजेशन। क्रोम प्लेटिंग में कुछ नहीं है, क्रोम मेटल की हम एक प्लेट उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्रोम की एक लेयर चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, और जो क्रोम मेटल होती है उसको हम एनोड पर लेते हैं, और जिस मेटल के ऊपर क्रोम प्लेटिंग करनी है उसको एनोड पर लेते, कैथोड पर लेते हैं। अब हम बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो होती है उस प्रोसेस के अंदर हम जिंक मेटल की एक बहुत पतली सी लेयर किसके ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर हम चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग रुक जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये याद रखना है कि आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन के अंदर। आपसे पूछा जाता है कि ऑफ विच मेटल, ऑफ विच मेटल, ऑफ विच पूछा जाए तो जिंक मेटल, ऑन विच मेटल इट इज आयरन, ऑन का मतलब किस मेटल के ऊपर, तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर हम डिपॉजिट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वनाइजेशन में एक क्वेश्चन आता है कि गैल्वनाइजेशन में अगर किसी स्पेस पर जिंक की कोटिंग थोड़ी बहुत टूट भी जाती है तो फिर भी आयरन की रस्टिंग नहीं होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जितने भी एयर रिएक्ट अटैक करती है तो वो पहले किसके पास जाएगी, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो जिंक के पास जाते हैं और आयरन रस्टिंग से बचा रहता है बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिव ऑफ जिंक देन आयरन। ठीक है, ये मैंने पूछ रखा है, इफ़ द कोटिंग ऑफ गैल्वनाइजेशन इज ब्रोकन येट देयर विल बी नो रस्टिंग बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो ऑल ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर गोज टू जिंक नॉट आयरन। ठीक है, आगे समझ में कंप्लीटली, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें पिछली बार गैल्वनाइजेशन काफ़ी बार आए हैं, जो अभी 2020 के अंदर पेपर हुआ है, एलोइंग एलोई एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलोई हम करेंगे, इसमें सम इम्पोर्टेंट एलोई। नेक्स्ट पार्ट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 3, मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करना है, मैं आपको कोई हैंड रिटन आंसर्स नहीं देने वाला क्योंकि मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू गो थ्रू ऑल ऑफ योर नोट्स एंड आंसर द क्वेश्चन योर सेल्फ। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी देन लेट मी नो वाट शुड बी द आंसर, बट आई विल नॉट गिव यू द आंसर्स एज रिटन। ठीक है, आपको खुद ही करने हैं, आपको पता है मैं इसी तरीके से आप लोगों से करवाता आया हूँ और आपको ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर खुद ही लिखने हैं थ्योरी को यूज़ करके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर पर रहिए और पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।